गोरखपुर संसदीय सीट के उपचुनाव में शुक्रवार को नामांकन वापसी का दिन था, लेकिन किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं किया। अब इस चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनको आज एआरओ गजेंद्र कुमार द्वारा प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र दत्त शुक्ल को कमल का फूल, समाजवादी पार्टी के प्रवीण कुमार निषाद को साइकिल, कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर सुरीता करीम को हाथ का पंजा, बहुजन मुक्ति पार्टी के अवधेश निषाद को चारपाई, सर्वोदय भारत पार्टी के गिरीश नारायण पांडे को फोटो कैमरा, निर्दल प्रत्याशी नरेंद्र कुमार महंत को टॉर्च, मालती देवी को कप और प्लेट, राधेश्याम शहरा को सिलाई मशीन, विजय कुमार राय को एयर कंडीशन और श्रवण कुमार निषाद को गुब्बारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताओं को बताया। उन्होंने कहा, उनका नहीं है। अरे ठीक है, वो खुश हुए हैं ना। कैमरा घूम कर दो यार, पूरा कैमरा वाला थोड़ा पीछे करो, नहीं सब पूरा वापस। लोगों की समस्याओं का समाधान करना, पूरे कंसिस्टेंसी का विकास करना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना हमारी प्राथमिकता है। देखिए, गोरखपुर में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जी ने छोड़ी हुई सीट है, उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में प्राथमिकताएं यही हैं कि जितने चोर, माफिया, गुंडा, बदमाश जितने भी शहर में मौजूद हैं, सबको शहर से बाहर भगाना है। यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। एक मुद्दे हैं, किसको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में और सांसद के रूप में जो गोरखपुर के विकास के कार्य हुए हैं, उसे और आगे बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व में प्रयास करूँगा। गोरखपुर का सर्वोच्च विकास, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। देखिए, हमारा संगठन प्रत्येक बूथ पर है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता एक एक दरवाजे पर जाएंगे, समाज के प्रत्येक वर्गों में जाएंगे, सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप मतदान करिए, इससे मतदान प्रतिशत रहेगा। मतदाता सूचियों में भी अक्सर देखा जाता है गड़बड़ी, तो मतदाता सूची का जो स्लिप बढ़ता है, तो उसके लिए भी कार्यकर्ता मतदाता सूची को दुरुस्त करें आपके? वो तो अवलोकन के बाद पता चलेगा गड़बड़ है कि क्या है, पहले से कुछ कहना उचित नहीं। हम लोग पिछले 3 साल से संविधान कथाएं कह रहे हैं पूरे देश में, और संविधान के अनुसार कैंडिडेट्स चुने जाएं
इसके लिए जो संविधान सभा में अम्बेडकर साहब जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और राजेंद्र बाबू जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, दोनों ने 26 नवंबर 1949 को कहा था कि जब तक अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे तब तक ये संविधान लोगों को खुशहाल नहीं करता। उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी थी, अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील लोगों को चुनाव में उतारने, और जनता को जिम्मेदारी दी थी कि अच्छाई चरित्र ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पर चुनाव में वोट दें, न कि पैसा शराब टकाऊ धर्म जाति या और बाहुबल इन सब के आधार पर। ये उस समय संविधान सभा में जब 3 साल मेहनत करके संविधान बना था तब संविधान के निर्माताओं ने आगाह किया, तो हम लोग उसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। शहीदों के जो सपने, जैसे पिछले 17-18 सालों में 4,80,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की, क्या फांसी के फंदे पर शहीद इसीलिए झूल रहे थे कि हमें ऐसा भारत मिलेगा? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी, जो करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीत रहा है, चाहे वह नंबर एक का हो, नंबर दो का हो, व्यक्ति का हो, पार्टी का हो, वो जीतने के बाद उसका कई गुना कमाएगा। सेवा वही कर सकता है जो संवेदनशील हो और करोड़ों रुपए पैसे के बल पर ना इलेक्शन जीते, क्योंकि जो भी पैसे के बल पर जीतेगा सारी चीज़ें गौर हो जाएंगी, फिर उसका बिजनेस रहेगा कई गुना कमाने का ही रह जाएगा। हम लोग कम से कम पैसे में और हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जन संपर्क कर रहे हैं, और उसी आधार पर हमें विश्वास है कि हम लोग देख रहे हैं लेके जाएंगे आप क्षेत्र में। मुद्दे मेरे यही रहे कि जो लोकतंत्र को घूम के तरीके से डाउन कर रहे हैं, पंगू कर रहे हैं, विकलांग कर रहे हैं, उनकी तरफ मुद्दे।